देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भंते। घाटी में मचा हाहाकार, आग लगने पर कुआं खोद रही है सरकार। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई लगातार बढ़ाए जाने से बैक वाटर इलाके में बसे तमाम गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। गांव और घर जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को न जमीन मिली है न मुआवजा। पानी भर जाने से प्रशासन उन्हें जबरदस्ती घर से बेदखल कर रहा है। ऐसे में लोग काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कई लोगों को पुनर्वास स्थल पर भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ इन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। भूखे बच्चों को खाने के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसे में परिवारों की बड़ी चिंता इस बात की है कि उनके घर जमीन सब कुछ डूब चुके हैं, उनका भविष्य क्या होगा। सरकारी अफसर भी उन्हें यहाँ लावारिस छोड़ गए। पुनर्वास स्थलों पर कई जगह ताले डले पड़े हैं। कुछ पुनर्वास स्थलों पर पीने के पानी की समस्या के कारण प्रशासन एहन वक्त पर नलकूप खनन करवा रहा है। नर्मदा घाटी के तमाम गांवों में इन दिनों तबाही जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों की जिंदगी भर की कमाई पानी में डूब चुकी है। घरों में कहीं 2 फीट तो कहीं 4 से 5 फीट पानी भर गया है। कहीं घरों की छतें दिखाई दे रही हैं, तो कहीं नामो निशान ही डूब चुका है। पिछोड़ी गांव के रहने वाले अरविंद बडोले बताते हैं कि वे अभी भी मूल गांव में रह रहे हैं। गांव के कई लोगों को पात्र माना गया है, जबकि कुछ लोगों को अपात्र माना गया है। हमें अभी तक प्लॉट नहीं मिला, जिनको मिला उन्हें 5 किलोमीटर दूर दिया गया है। गांव के जिन लोगों को बसाया है उन्हें अलग अलग जगह प्लॉट दिए गए हैं। पिछोड़ी के ही बलराम सोलंकी बताते हैं कि उन्हें अभी तक प्लॉट नहीं दिया गया। 4 दिन पहले कलेक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि प्लॉट जल्द ही देंगे। अगले दिन हम NVDA के दफ्तर गए, लेकिन वहाँ आज नहीं कल आने की बात कही। हमारा सब कुछ डूब गया है, कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। डूब प्रभावित इलाके अवला से अंजड़ के पुनर्वास स्थल आए संजय सरकारी अफसरों से नाराज हैं। 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है, लेकिन वक्त तय नहीं है। बच्चों को भूख लगती है तो उन्हें दिलासा देकर चुप कराना पड़ता है। सरकारी अफसरों को आना चाहिए, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आ रहा। पुनर्वास स्थल पर पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। आग लगी तब कुआं खोदने की तर्ज पर अब नलकूप खोदा जा रहा है। कई पुनर्वास स्थलों पर ताले डले हुए हैं। औली से आए हो? कब से हो यहाँ पे? हमको अभी करीब करीब 3-4 रोज हो गए। अच्छा, क्या तकलीफ आ रही है यहाँ पे? तकलीफ अभी भी 3-4 रोज हो गए। खाना पीना तो सब मिल रहा, कभी कभार टाइम ज्यादा भी हो जाता, टाइम से भी दे जाते, टाइम ज्यादा भी हो जाता, पर उसके बाद भी हमारे यहाँ रहने के बाद भी अभी तक कोई जानकारी, कोई देख रहे, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया कि कैसे क्या अधिकारी, कोई खबर लेने नहीं आया। खबर लेने नहीं आया। लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट की व्यवस्था तो ठीक है। ठीक है, हाँ, लाइट की व्यवस्था ठीक है। इसके बाद भी अभी बच्चे टाइम टू टाइम अगर ये खाना दे, बच्चे परेशान हो रहे हैं। रे खाना भी आ रहा, वो तो हम सब एडजस्ट कर रहे हैं, पर उसके बाद भी कोई अधिकारी लोग अभी तक यहाँ नहीं आया, और उन्होंने आना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, और हमारा आगे का क्या कार्रवाई वो कर रहे वो बताना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।